नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं वेस्ट बंगाल के गांव में घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। आप लोग इस कहानी को ध्यान से अंत तक सुन लेंगे तो लिटरली बता रहा हूँ, घर के बाहर अगर आपके बाथरूम होगा ना तो रात में आज बाथरूम जाने से पहले 150 बार सोचेंगे, इतनी खतरनाक घटना है ये। आइए चलते हैं कुछ साल पहले वेस्ट बंगाल के छोटे से गांव में और जानते हैं कि क्या ऐसी घटना घट गई थी भाई। दरअसल इस गांव में एक दहशत फैली हुई थी काफ़ी समय से। हर फ्राइडे की रात को गांव के किसी ना किसी व्यक्ति की संदिग्ध तरह से मृत्यु हो जा रही थी। मृत्यु का कारण बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, बस लोगों की हो जा रही थी। हंसता खेलता कोई भी हो ऐसे ही निकल ले रहा था, किसी की तबीयत खराब हो तो फ्राइडे को ही निकल रहा था। गांव के लोग ये बोलने लगे थे कि हमारे गांव के ऊपर किसी चुड़ैल की नजर पड़ गई है, रात के समय कोई भी घर से बाहर निकलता है तो वो चुड़ैल उसको पोजेस कर लेती है और फिर फ्राइडे तक शुक्रवार की रात तक उसको परेशान करती है, उसके अंदर रहती है और फिर शुक्रवार की रात को उसका खेल खत्म कर देती है, उसको अपना हमेशा हमेशा के लिए शिकार बना लेती है। जब बहुत सारे ये कांड गांव में हो गए तो हर एक व्यक्ति इस अफवाह के ऊपर, अफवाह का हो या सच्चाई का हो, लेकिन इस बात के ऊपर विश्वास करने लगा। स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली सब विश्वास नहीं करते ऐसी चीज़ों पर, लेकिन जब बहुत ज़्यादा केसेस हो जाते हैं, बहुत रेगुलर हो जाते हैं तो लोग मजबूर हो जाते हैं ऐसी चीज़ों के ऊपर यकीन करने के लिए। तो गांव के सब लोग मानने लगे और गांव के लोगों ने नियम बना लिया कि अब रात के समय घर से बाहर घूमने के लिए कोई नहीं निकलेगा। लेकिन उनका क्या जिनके घर के बाहर वॉशरूम हो। अब देखो भाई, शहर में फ्लैट सिस्टम में क्या होता है कि बेडरूम से लगा हुआ बाथरूम होता है, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है। घरों के अंदर बाथरूम नहीं रखते हैं, पीछे आंगन जब बहुत बड़ा होता है तो एकदम एंड तरफ रख देते हैं कहीं पे। तो घर से निकल के जाओ, आंगन में जाके फिर बाथरूम में जाओ, उसका यूज़ करो, फिर घर पर लौटो। लोग काट रहे थे अपनी ज़िंदगी। किसी को भी बाथरूम जाना होता था जिनका ऐसा बाहर बाथरूम था, वो अकेले नहीं जाते थे, किसी परिवार के सदस्य को लेकर जाते थे। सदस्य बाहर खड़ा रहेगा, अंदर कोई भी हल्का होगा, फिर दोनों साथ में लौटेंगे। मैक्सिमम लोग रात को सोना ही बंद कर दिए थे, रात रात भर घरों के लोग जागते थे और 4-4:30 बजे तक सो रहे हैं कि कुछ भी हमारे घर वालों में से किसी को भी हो तो तुरंत हम कोई ना कोई कदम उठा ले। अब इसी गांव में एक परिवार था देविका नाम की लड़की का। देविका 10 साल की एक छोटी सी साधारण सी लड़की, मासूम सी। इसकी एक छोटी सी बहन जिसकी उम्र 8 साल के आसपास की रही होगी। दोनों को खेलना कूदना बहुत पसंद था, रात में खाना खाने के बाद खेलती ही थी, नियम था। इनके परिवार में देविका की मम्मी पापा, देविका के दादा दादी थे। इन लोगों का सिस्टम ऐसा था कि ये लोग भाई रात वात में नहीं जागते थे ज़्यादा, क्योंकि सुबह उठ के देविका के पापा को अपने काम पर जाना होता था तो 4 बजे तक कैसे जागेंगे। तो ये लोग अपने टाइम पे सो तो जाया करते थे, लेकिन एक नियम बनाए हुए थे ये सारी चीज़ों से निपटने का। वो नियम ये था कि इनका भी जो वॉशरूम था घर के बाहर था, पीछे के इलाके में था, आंगन क्रॉस करके जाना पड़ता था और आंगन बहुत बड़ा था। तो इन लोगों ने ऐसे सिस्टम बनाए थे कि रात में कोई भी वॉशरूम जाएगा ही नहीं, रात में 12 बजे से पहले हल्के हो जाओ और बिस्तर में आके सो जाओ, फिर सीधे सुबह उठ के 4-4:30 बजे के बाद जब हल्की हल्की रोशनी आने लगे ब्रह्म मुहूर्त हो जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए नहीं जाना है। लेकिन अगर बाय चांस बहुत ज़ोर से इमरजेंसी आ गई, तबीयत खराब हो गई तो किसी ना किसी को लेकर जाओ, 12 बजे तक कोई बुराई नहीं है, 12 बजे तक ठीक है भाई, चलेगा चले जाओ। क्योंकि 12 बजे से पहले तक लोग ऐसी चीज़ों के ऊपर उतना विश्वास नहीं करते, उतना डरते नहीं, लेकिन एक बार 12 बज जाते रात के तो ऐसी चीज़ें कुछ ज़्यादा ही अपनी दहशत जमा लेती है। अब 12 बजे से पहले तक लोगों को कुछ आवाज़ भी नहीं होता था गांव के, तो नॉर्मल रहता था, मिडनाइट तक चीज़ें नॉर्मल थी। एक रात की बात है, रात के 10 बजे के आसपास देविका के घर के सभी लोगों का खाना हो गया था। रोज़ की तरह देविका और देविका की बहन अपने घर के सबसे पीछे वाले कमरे में कुछ खेल रही हैं। इनके घर के कमरे बड़े बड़े थे, दोनों बहनें बढ़िया खेल रही हैं और इसके पापा आज नहीं थे और ना ही इसके दादाजी थे, आज कोई नहीं था। इस घर में केवल देवी का बच्ची, उसकी छोटी बहन और बच्ची, उसकी मम्मी और उसकी दादी, ये 4 लोग लड़कियां थी सब। अब ये पीछे वाले कमरे में खेल रही हैं और मम्मी दादी सबसे सामने वाले कमरे में हैं, थोड़ा सा बैठी हुई है, बात कर रही है। अचानक से देविका की दादी देविका की मम्मी से बोलती है कि बहू मुझे ना वॉशरूम जाना है, चल मेरे साथ।
बहू ने बोली कि ठीक है ले चलती हूँ। दोनों उठे और जाने लगे बाहर की तरफ, पीछे की तरफ मतलब। अचानक से किचन वाला कमरा आया तो उसमें दादी क्या बोलती है, काम कर थोड़ा तेल उठा ले, तेल की शीशी उठा ले, मैं वॉशरूम हो लूँगी ना तो फिर मेरे को बाहर थोड़ा आंगन में बैठ के तेल लगा देना, आज मेरा बहुत खुली हवा में सांस लेने का मन कर रहा है। ठीक है, बोले तेल उठा ली, नारियल का तेल। अब चल पड़े पीछे की तरफ, वॉशरूम गए हैं अपना, ये खड़ी है बाहर, कौन अंदर, दादी चली गई और बाहर की तरफ देविका की मम्मी खड़ी हुई है। दादी को बहुत टाइम लग गया यार, 15-20 मिनट लग गए। देविका की मम्मी बोलती है, सासू माँ हो गया क्या, चलो चलना है। दोनों लड़कियां आखिरी वाले कमरे में खेल रही हैं, दरवाजा खुला हुआ है, खेलते खेलते बाहर ना निकल जाए, आ जाओ बाहर। अंदर से दादी चिल्लाती है, बस आ गई 2 मिनट। फिर ये खड़ी है हाथ में तेल की शीशी लेके, अभी समय भी इनको लग रहा है कि भाई ज्यादा हो चुका है, 10 तो ऊपर हो ही गया था, फिर 5-10 मिनट तक नहीं आए। फिर इधर से आवाज लग गई, सासू माँ हो गया क्या, बच्चियां बाहर निकल जाएगी, मुझे चिंता हो रही है और 12 भी बजने वाले कुछ देर में। सासू माँ ने कुछ जवाब नहीं दिए, फिर खड़ी रहे। भाई आधा घंटे हो गए, आधा घंटे बाद अब तो टेंशन कि आ क्यों नहीं रही है। सासू माँ दरवाजा खटखटा दी, इतने में सासू माँ ने दरवाजा खोली है, लेकिन सासू माँ नॉर्मल नहीं चल रही है, लंगड़ाते हुए, मतलब एक पैर को ना घिसताते हुए बड़े अजीब से चल रही है। सासू माँ पूरी तरीके से हष्ट पुष्ट थी, फुल हेल्दी थी, जवान जवान लड़कियां क्या चलती हो वैसी चलती थी, लेकिन अभी वॉशरूम से निकली लगभग 1 घंटे बाद निकली, ऐसी एकदम पैर घिसटा घिसटा के चल रही है। तो देविका के मम्मी ने ऐसा देख के बोली कि क्या हो गया सासू माँ, कुछ परेशानी हो गई क्या पैर में, तो कुछ बोली नहीं और पैर घिसटाते हुए सीधे सीधे आगे आगे जाने लगी। ये भी कुछ नहीं बोली और ये भी चलने लगी भाई पीछे पीछे। अब आ गया इनके घर का प्रॉपर वो वाला इलाका जो कि जहाँ से इनका घर स्टार्ट हो जाता, मतलब वो दरवाज़ा आ गया। गांव के घर कैसे होते हैं ना, वैसा इमेजिन करते चलो, शहर के घर जैसे इमेजिन मत करो। तो जहाँ पे बच्चे लोग खेल रहे थे जिस कमरे के अंदर, उस कमरे के ये लोग बाहर हैं। वहाँ पे एक पत्थर लगा हुआ था, पत्थर में बैठ गई और ऐसा अजीब सा देख के क्या बोलती है, ए, तेल लगा। तो इनको बहुत अजीब सा लगा कि ऐसे क्यों बोल रही है। हल्का सा ठंड का मौसम था तो एक सेकंड के लिए मन में ख्याल आया कि शायद इतने देर से बाथरूम में ठंडे ठंडे में बैठी हुई थी, थोड़ा गला वाला बैठ गया होगा, बूढ़ा शरीर है, कोई बात नहीं तेल लगा देती हूँ। वो गई पीछे तरफ, बाल खोल के मस्त तेल लगाने लगी, वो बिल्कुल स्टेबल बैठी हुई है। सासू माँ इतनी ज़ोर से ठीक है और ज़ोर से, कुछ बोल नहीं रही है। वहाँ पे अंदर वाले कमरे में देविका और देविका की बहन खेलते हुए नज़र आ रही है। अचानक से खेलते खेलते देविका रुकी, अपनी दादी को बड़े ध्यान से देखने लगी। मम्मी ने बोली, क्या हो गया, ऐसे क्या देख रही है। देविका कुछ बोली नहीं, सिर्फ दादी को बड़ी ध्यान से देख रही है। 10 साल की देविका थी, ऐसा नहीं कि नौटंकी मारेगी, ज़्यादा उम्र की हो। मम्मी ने भी सोची कि ऐसी देख रही होगी यार, हाँ ये अपने तेल लगाने में व्यस्त रही है। देविका बोलने वाली थी कुछ, दादी आपकी आँख, इतने में जोर से चिल्ला दी, ये क्या है, क्या बोल रही है, दादी ने चिल्ला दी। तो देविका एकदम शांत हो गई, हाँ, और ऐसे दादी ने चिल्लाई उसको देविका को देख के और फिर सामने देखने लगी। देविका अभी भी दादी को देख ही रही थी। देविका समझ गई कुछ तो झोल झपाट है, 10 साल की बच्ची समझ गई। अब अपनी मम्मी को इशारा करके क्या बोलती है, दादी की आँख में देखो। अब क्योंकि मम्मी तो पीछे खड़ी हुई है, आप पीछे खड़े होकर तेल लगा रही, आँख में देख नहीं पा रही, देविका सामने थी, छोटी बहन सामने थी, वो देख सकती थी। जब ऐसा इशारा करी बच्ची ने कि दादी की आँख में देखो, तो मम्मी ऐसी थोड़ी सी छोड़ी और सामने आके आँख की तरफ जैसी देखी है, इतनी ज़ोर से डरी कि मैं क्या बताऊँ। जो दादी थी ना उनकी पूरी आँख पूरी तरीके से लाल थी, आँख की पुतली वुतली कुछ नहीं, पूरी लाल चटक, जैसे कि मानो पूरे शरीर का खून आकर यहाँ पर जमा हो गया हो। ये बहुत ज़ोर से डरी और जैसी वो डरी ना तो शायद दादी के अंदर जो कुछ भी था वो इस चीज़ को भांप लिया। अब जब ये डर गई देविका की मम्मी तो डर के चिल्लाई भी, इधर से ये भांप भी, वो उठ के सीधे देविका की मम्मी को ऐसे धक्का मारी है, वो जोर से गिर गई, लेकिन उनके चिल्लाने की आवाज़ आजू बाजू के लोगों तक चली गई। भागते हुए आ गए, क्या हो गया, ये तो देविका की मम्मी की आवाज़ है। भागते हुए आए तो देखे, इनको देख के सब समझ गए एक ही झलक में कि इनको चुड़ैल झपट ली है। 5-6 लोग आए हुए थे लिटरली,
इनको पकड़ने लगी इतनी बुढ़ी औरत को, लिटरली काफ़ी उम्र होती यार, उतनी नाते पोते वाली है, पकड़ लिए और सबको एक एक झटके में ऐसे पटक दे रही है, गिरा दे रही है। अब एक किस्मत की बात बताता हूँ, जहाँ पर इन लोगों का घर था वहाँ से सिर्फ 4 कदम आगे, मतलब घर के बाजू में ही समझ लो, एक बहुत पुराना मंदिर था, हनुमान जी का और शिव जी का मंदिर था। मतलब एक ही प्रांगण में मंदिर बना हुआ था हनुमान जी और शिव जी का। तो सब लोग ऐसे पकड़ने लगे, सामान लगे, उतने में गांव के एक बुजुर्ग आदमी आए, बोले कि मंदिर ले चलो, इसको बाहरी हवा लग गई है, वो ज़ोर ज़ोर से गाली दे रही है, बाल ऐसे ऐसे हिला रही है, पूरे बाल तो खुले हुए हैं, कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। लेकिन जैसे तैसे करके हट्टे कट्टे मर्द लोग मंदिर के चबूतरे के अंदर लेकर गए हैं, लेकिन वहाँ पे भी उनको कंट्रोल करना ईजी नहीं हो पा रहा है। फिर वही वृद्ध व्यक्ति हनुमान जी का जो था सिंदूर इनके सर पे लगाती है, जबकि इतनी आसानी से औरतें लोगों को तिलक नहीं लगाया जाता है, हनुमान जी का सिंदूर नहीं लगाता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में क्या करें, क्या करें, इनके अंदर कौन है, कौन ने इनको कौन सी हवा लगी, किसको मालूम है, बचने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो तुरंत हनुमान जी के चरणों का सिंदूर ली और ऐसा लगा दिए। और शिव जी का जो मंदिर था वहाँ पे साइड में दुर्गा माता की भी एक छोटी मूर्ति थी, उसमें भी सब लोग सिंदूर चढ़ाते थे, तो वो सिंदूर भी निकाले और इनके मांग में लगा दी। किसने लगा दी, इनकी बहू ने मांग में लगा दी। और जैसे ये लगाए हैं बस पूरा शरीर ढीला पड़ गया और मुँह के बल वहीं पर गिरिए, सीधे हनुमान जी की मूर्ति के सामने मुँह के बल गिरिए। फिर क्या था, इनको सब लोग जैसे तैसे करके उठा के ले, एक तो उठाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था इनको, इनका वजन मुश्किल से मुश्किल 50-55 किलो रहा होगा, 50 किलो, लेकिन कोई उठा नहीं पा रहा है, हट्टे कट्टे आदमी लोग नहीं उठा पा रहे हैं। फिर जय बजरंग बली बोल के एक साथ उठाए हैं तो फिर उठा पाए, बहुत टाइम लग गया इनको उठाने में। फिर उठा के घर पर लेकर आए हैं और फिर जितने भी वृद्ध लोग आए हुए थे गांव के, जितने भी दूसरे समझदार लोग थे, उन लोगों ने बोले कि देखो आज की रात इनको एक अलग कमरे में रखो, ऐसे सेफ नहीं होगा आप लोगों का इन लोगों के साथ रहना, आपके घर पे कोई है भी नहीं, आप सिर्फ लड़कियां लड़कियां हो, संभालने वाला कौन रहेगा। तो फिर देविका के मम्मी ने बोली ठीक है ऐसे ही करते हैं। एक कमरे में दादी को बंद कर दिया गया, लेकिन लकीली दादी पूरी रात सोई है। फिर सुबह 7 बजे के आसपास दरवाज़ा खटखटाते हुए बहू देविका, छोटी वाली का नाम पुकारी। अब सब लोग तीनों लोग गए कमरे के सामने, माँ जी आप ठीक हो ना, तो बोलती हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ। ऐसा जब इन लोगों ने सुने तो इनकी जान में जान आई। अब दरवाज़ा खोली देविका के मम्मी ने, देखी कि दादी पूरी तरीके से नॉर्मल, लेकिन पूरे शरीर में ऐसे लाल 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 स्पॉट्स आ गए, लिटरली बहुत सारे, जैसे कि मानो कुछ तो भी अंदर से बहुत गहरा रिएक्शन हो गया किसी चीज़ का। अब क्या स्पॉट्स थे क्या नहीं, डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने दवाई अवाई किया। फिर साथ ही साथ थोड़ी आगे की तरफ गांव से बाहर एक बड़ा मंदिर था, वहाँ के पुजारी जी को दिखाए, पुजारी जी ने भी थोड़ा गंगा जल छिड़के इनके ऊपर, इनको थोड़ा प्रसाद दिए, मंदिर में आज हवन हुआ था किस्मत से। तो जब सब खाई है और धीरे धीरे करके इनके स्पॉट्स भी ठीक हुए, उस दिन के बाद से ना इनके घर में से कोई भी कैसी भी सिचुएशन हो बाहर की तरफ वॉशरूम में नहीं गया। फिर ऐसा हुआ कि एक वॉशरूम इन लोगों ने वो वाला तो रखे नहीं दिए, लेकिन हमने घर से चिपका के भी पीछे की तरफ एक बनवा लिए, किसी को रात बेरात जाना हो तो एकदम घर से लगा हुआ रहे, इतनी दूर अपने घर का है भले ही खेत का, लेकिन इतनी दूर चल के जाना ना पड़े। फिर सब ठीक रहा। आज इस घटना को काफ़ी समय बीत गया है, देविका और देविका की छोटी बहन दोनों बड़ी हो गई हैं, लेकिन आज भी जब उस खौफनाक रात को वो लोग याद करते हैं तो सिहर से उठते हैं कि अच्छी किस्मत थी जो दादी सही सलामत बच गई, पड़ोसी लोग आ गए, वरना लेने के देने पड़ गए होते। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी किसी और के थ्रू नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ देविका के ही थ्रू हमें इंस्टाग्राम पर मिली। सही बात है, अगर किसी भी इंसान के घर पे ऐसी खौफनाक घटना घटती है वो इंसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। दूसरों का देख के थोड़ा हल्का लगता है कि यार यार भूत प्रेत था, चलो ठीक हो गया, लेकिन अगर अपने घर पे होता है कुछ ऐसा और अपने लोगों के साथ होता है तो जिंदगी भर की एक बुरी याद लेके चला जाता है। सही बात है। तो वैसा वाला है। और बोलते हैं ना भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। वो हनुमान जी के मंदिर में लकली गए और वहां पे वो ठीक हुए। अगर हनुमान जी के मंदिर में नहीं गए होते, भगवान का मंदिर इतने नजदीक नहीं होता, तो क्या करते? सही बात, शायद दादी जी बच भी नहीं पाती उस रात। हो सकता है, भगवान ना करे, लेकिन शायद कुछ भी हो सकता था। खैर इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं।
अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना, और इसी तरह की कोई भी कहानी टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।